नौरख के आगे, हाँ पेचर से आगे पहाड़ी इलाका ये पहाड़ पर। राम राम भाई, राम राम भाई, हेलो राम राम तो बोलो, राम राम करो, राम राम। अरे वाह यार, अरे ये लो भाई, ये राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम, राम राम बोलो बेटा। हाँ ये देखो, देखो दोस्तों, देखो ये छोरू कितना है, इसमें स्कूल जावे, स्कूल जावे, अरे वाह स्कूल नहीं जावे, क्या बेटा राम राम, क्या पानी है भाई, आप जाओ राम 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 भाई, राम 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 राम। और भाई बढ़िया सब बच्चे, अरे वाह बोर खा दे भी जुआर के पा मले जुआर तो नहीं काटे, अच्छा आ जाओ, आ जाओ, ए राम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, इधर आ जाओ, राम राम, राम राम, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, ये लो, ये लो, ये लो, राम राम बोलो, तो दे दे ने, तो नहीं दियो, अभी दो तीन और रह गए, अरे बस अरे पैसे थी, ये राम राम बोलो बेटा, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम, अरे वाह मेरी किचोड़ी, अरे वाह, वाह ये बराबर, अरे चलो ठीक है, अब ऐसे बिहार, क्या ले, जाओ कहीं जाओ, है स्कूल जाओ थे, कटी बोलो, है ये कतरी आंगरी है, दो, ये कतरी आंगरी है, तीन, ये कतरी है, पांच, ये कतरी है, दो, ये कतरी है, पांच, हाथ मिला, कतरी है चार, ये कतरी है चार, तो पांच ही ना, पांच ही कतरे भी है, पांच, दस, अरे बोलो भारत माता के, अपने अपने माता पिता के, गुरु जी के, और भोलेनाथ के, और राम भगवान के, बजरंग बली के, अब मुतायने देखो, ए 20 रुपए दो वहाँ, कतरा 20, अरे अब 20 में तीन तीन दो दो रुपए सब लोगा, कई लोग चॉकलेट दिया तो चॉकलेट है, चॉकलेट खा लगा सब, अरे तो कहाँ दे 20 रुपए, दे दो यार हम से दे दिया होगा, तू लेगा, अरे ये 20 रुपए ले, 20 रुपए में दो दो रुपए की चीजें लेने सब, चलो ये चॉकलेट ले, स्कूल जाके जा, स्कूल जाके जा, जाऊं जाऊं कहीं पे, स्कूल जाऊं, अच्छा रोटी कहीं पे, काय की साग बनी थी, दाल की, दाल की काय की, दाल की उड़द की, तो तू स्कूल में जाओ ने, कई नाम तेरो, अनिल, शाबाश हाथ मिला, अब क्या गुरुजी के पास में आएंगे ना, फिर मिलेंगे तुम सबसे, ठीक है बेटा, कोई रियो तो कौन है, ठीक है, और जो फिर मैंने कोई बच्ची जाए तो फिर मुँह मारो, है ना, हाँ
तो इनको भी 2 रुपए की चीज दे वाड़ देगा दो नहीं गोले ले जाओ भाई गए गए कहां गए गए जाके कदा से हनुमान ले आ भाई चलो आज आगे मिल गया दोस्तों जय सियाराम। आज हमारे गुरुजी शंकरदास जी महाराज आज ऊपर पहाड़ के ऊपर गए बजरंग बली के स्थान पर। आज हम वहाँ के दर्शन कराएंगे आपको पहाड़ के ऊपर। अब वहाँ का नज़ारा देखोगे तो आप कहोगे वाकई में क्या नजर आया है। इंट्रोड्यूस करेंगे मैं क्यों तो धीरे धीरे अच्छा यू हाँ बोल मुझे क्या मतलब कि आप तो आ नहीं सकते हो और हम यहाँ से वापस बिना दर्शन के जा नहीं सकते हैं। बजरंग बली का मंदिर है उस तरफ देखो ऊपर जाके देखो। अब ऊपर देखो दोस्तों अब ऊपर चलना पड़ेगा। अब ऊपर चलेंगे हाँ अब देखो दोस्तों अब गुरुजी के दर्शन करेंगे और वो मंदिर पहाड़ के ऊपर है। चलते चलो सकूं दोस्तों ये बजरंग बली पीछे नहीं देखना पीछे आगे चलो आगे देखो। अगर पीछे देखेंगे तो हवा निकल जाएगी दोस्तों। हाँ हाँ जय बजरंग बली की जय हो गुरु जी की जय हो गुरु जी की हाँ वाह हाँ देखो दोस्तों गुरुजी जो नंगा पैर आते हैं हाँ देखो दोस्तों आज भगवान बलि। मुकेश भाई आपको कैसा लगा? आनंद आ गया और ये भगवान बलि के दर्शन करने के लिए आ गया पहाड़ पे दोस्तों। अब देखो उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज किस्मत वाले को देखने को मिलता है। अरे हमारे पोपा जी कहाँ रह गए? हाँ पोपा जी हाँ दोस्तों देखो आज है ना बहुत ही किस्मत से बजरंग बली के दर्शन हो रहे। आ जाओ हाँ दोस्तों आज ये बजरंग बली के आ गए हम पहाड़ी वाले बालाजी कोटला राजस्थान। हाँ जय हो बजरंग बली की जय हो बजरंग बली की जय हो बजरंग बली की जय। हाँ
गुरुजी सीताराम गुरुजी पापा जी ने पकड़ो यो जा बाबा जी यहां सीता जय हो गुरु महाराज की जय हो। देखा दोस्तों आज हमारे गुरुजी के दर्शन करने के लिए आज शामगढ़ से आए और गुरुजी पहाड़ी पर रहते हैं। अब मुकेश तुम्हें आशीर्वाद ले लो गुरु जी का। हाँ स्कॉर्पियो थोड़ा जी आजा भाई। हाँ और ये गुरुजी नंगे पैर कैसे आते हैं आज इनके पैर के दर्शन कराओ। ये देखो ये पास मुके पास में ला दोस्तों ये नंगे पैर आते हैं गुरुजी। ये नंगे पैर वहां से नीचे आते हैं। ये देखो हे गुरुजी का प्रेम बताओ दोस्तों। गुरुजी के मन के अंदर बहुत खुशी होती है कि आज मेरा भगत आया है आज मेरे को दक्षिणा दे रहा है। और कितने दिन बाद ये हमारे भगत आया है। एक बात आए थे जब इन्हों को मक्खा का टिकट मिला था और आज फिर देखो ये मक्खा का टिकट खाकर यहाँ पे बैठ के आज पापा जी ने इसको भी एक आशीर्वाद आशीर्वाद दिले। ये देखा बजरंग बली की कृपा से दोस्तों बोलिए बजरंग बली की जय। देखा इसीलिए दोस्तों कभी भी साधु संतों से मिलो। संत ऋषि मुनि त्यागी महाराज जी शंकरदास जी श्री श्री 108 शंकरदास जी महाराज के दर्शन कराए हमने दोस्तों। गुरु जी आज हमको गुरु जी ये मक्का का टिक्कर खिलाएंगे। एक इसे कहते हैं अमृत लोग तरसते हैं क्या हमारे गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। हाँ गुरु जी ने हमको याद किया दिल से और गुरु जी को आपका पंचांग भी लेके आगे पड़ा। हर साल तू लाए राम ने लेके मेरे को पंचांग बना काबे कल का परसों घर निकला बता तहसील अपने रावत बेटा करना बड़ोदिया मैं मुके तू भी नाश्ता कर ले। हाँ बोले पानी आनंद आ रहा है बहुत अच्छा। अरे तेरी बूंद बूंद जो खाए तो स्वर्ग में चला जाए। बनाते जीवन में पहली बार चाय ये गुरु जी की कुटिया और गुरु जी की कुटिया ये बजरंग बली का मंदिर है और माता जी का मंदिर है और इसके आपको दर्शन कर रहा कहता हूँ दोस्तों। ये एक तालाब है यहाँ पशु के लिए पानी पानी पीने की व्यवस्था और सुविधा है और आज बजरंग बली की इतनी बढ़िया बढ़िया कृपा है कि आज वो पहाड़ी के ऊपर हम आपको लेके आए हैं दोस्तों। मंदिर की जरूरत ही है सटा ये देखो ये पहाड़ी के ऊपर आके देखो ये पहाड़ी के आते आते तो 15-16 साल आपको यहाँ पे हो गए तो किस टाइम पे आते गुरु जी आप यहाँ पे। सुबह 5 बजे शाम को 5 बजे सुबह 4 बजे स्नान करके 4:30-4 बजे नीचे आरती हनुमान जी की करना फिर यहाँ 5 बजे आना। यहाँ आके करना यहाँ आके आरती के बाद में गीता जी का पाठ करना माला करनी दुर्गा पाठ करना हनुमान चालीसा करना है डेली का काम है। अच्छा डूबता हुआ सूरज के भी नजारे देख लो दोस्तों। अब ये यहाँ से हम नीचे उतरते हुए जाएंगे। बाप रे गुरु जी यहाँ चढ़ती टेम पर तो कितने प्यार से चढ़े थे आप कितनी देर में नीचे उतर जाओ गुरु जी। 12 मिनट उतरने के हाँ और 12 मिनट ऊपर चढ़ने का। अरे वाह वाह यहाँ से उतरना बहुत मामूली बात थोड़ी है बहुत कठिन है सबकी बस की बात नहीं है और आपकी उम्र में तो लोग आ ही नहीं सके। हमारी उम्र और चढ़ी नहीं सके। हाँ अच्छा से नीचे रही है। जिन पत्थरों के ऊपर नंगे पैर चलते हैं वहाँ ऊपर से नीचे 12 मिनट लगते आने के और ऊपर जाने के 12 मिनट। ये पापा जी इधर आओ ये आज हमारे पापा जी 72 साल की उम्र में ये हमारे पापा जी जो बुआ जी हमारे जिनके चुटकले सुनाए थे याद है दोस्तों जो चुटकले सुनाए थे बुआ जी ये हमारे पापा जी। ये पापा जी को आज हमने दर्शन कराया बजरंग बली के तो आपको कैसा लगा पापा जी। बहुत अच्छा लगा आपने हिम्मत करी बहुत हिम्मत की बजरंग बली ने हिम्मत दिला दी। किन्ने बजरंग बली ने हिम्मत दिला दी जबकि ये निराश हो गए थे फिर इन्होंने क्या कहा
कि चलो अपना रोज अगरबत्ती लगा, हनुमान जी की कृपा बनी रहे अपने ऊपर, चलो चढ़ाई कर रहे थे अपन। देखा बजरंगबली को हमेशा अगरबत्ती लगाते रहो और जो काम नहीं होने जैसा हो वो काम हो जाता है, मगर मन में विश्वास होना। ऐसे गुरु जी को चरण वंदन करता हूँ और आप भी दिल से उनको लिए दुआ करो कि गुरु जी हमेशा स्वस्थ रहे। भगवान का दूसरा रूप है साधु संत है, जो बिना स्वार्थ के भगवान की भक्ति करता है और कोई लोभ नहीं होता है, वो अपनी श्रद्धा से देव उनको दान उसमें वो राजी हो जाते हैं। जो लोभी होते हैं वो किसी का भला नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बजरंगबली की जय हो। आज का प्रोग्राम के लिए इतना ही, बहुत जय श्री।